हेलो एवरीवन स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के यूज़ और स्ट्रक्चर्स के बारे में टेंस के सारे प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ ऐसे काम या एक्शंस को डिनोट करने के लिए होता है जो पास्ट में शुरू हुए हों और अभी तक कंटिन्यूएशन में हो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम ड्यूरेशन यहाँ हैव का यूज़ फर्स्ट और सेकेंड पर्सन दैट इज आई और वी और दे या फिर प्लूरल नाउंस के साथ होता है और हैज़ का यूज़ सिंगलर नाउंस और थर्ड पर्सन जैसे ही या शी के साथ होता है इसके अलावा सिंस का यूज़ किसी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है इसे इजीली ऐसे समझ सकते हैं कि जो टाइम वॉच या कैलेंडर से लिया गया हो जैसे जनवरी फरवरी टू ओ मंडे फ्राइडे इसके अलावा मॉर्निंग इवनिंग ई और फोर का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है जैसे दो घंटे चार दिन तीन साल इ अब बात करते हैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स की जैसे वह पिछले दो साल से इसी कक्षा में पढ़ रहा है मैं मार्च से हर हफ्ते क्रिकेट खेल रहा हूँ वो पिछले चार महीनों से अंग्रेजी सीख रहा है माँ बाप बच्चे को पिछले चार दिन से ढूँढ रहे हैं अब इन्हीं की इंग्लिश हो जाएगी ही हैज़ बीन स्टडिंग इन द सेम क्लास फॉर द लास्ट टू ईयर्स आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट एवरी वीक सिंस मार्च ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फ़ॉर लास्ट फोर मंथ्स पेरेंट्स हैव बिन लुकिंग फॉर चाइल्ड फॉर द लास्ट फोर डेज सेकेंड यूज है कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज होता है जैसे हाउ लॉन्ग होल ऑल थ्रू आउट ऑल द टाइम लॉन्ग ऑल अलोंग इट इसी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं तुम कितनी देर से पढ़ रहे हो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रीडिंग उसके बच्चे हर समय रोते रहे His children have been crying all the time. Ram इतने दिनों से तुमसे contact करने की कोशिश कर रहा है Ram have been trying to contact you all these days. वह पूरे दिन पढ़ती रही है She has been studying all day. Third है कि present perfect continuous tense का use बिना किसी duration, जैसे for one month etc के साथ हो तो लेटली या रिसेंटली का यूज़ होता है जिसका मतलब होता है हाल में ही या अभी अभी जैसे हाल ही में मैं बहुत थका हुआ फील कर रहा हूँ रिसेंटली आई हैव बीन फीलिंग रियली टायर्ड या फिर जैसे कोई अपने समय का यूज़ पास्ट में कुछ देर पहले से अभी प्रेजेंट तक में कर रहा हो उसके बारे में पूछना या बताना वहाँ भी रिसेंटली या लेटली का यूज़ होता है जैसे तुम तब से क्या कर रहे हो यानी कुछ देर पहले से अभी तक में तो सेंटेंस होता है व्हाट हैव यू बीन डूइंग लेटली तो ये थे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के यूज अब बात करते हैं छह स्ट्रक्चर्स की लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें फर्स्ट स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का जैसे पिताजी सुबह से इंतजार कर रहे हैं स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम ड्यूरेशन तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा फादर हैज़ बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग सेकेंड स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंस का जैसे पिताजी सुबह से इंतज़ार नहीं कर रहे हैं स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस या फॉर प्लस टाइम ड्यूरेशन सेंटेंस होगा फादर हैज़ नॉट बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग थर्ड स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव सेंटेंस का जैसे क्या पिताजी सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं स्ट्रक्चर होगा हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम ड्यूरेशन सेंटेंस हो जाएगा हैज़ फादर बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग फोर्थ स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव का नेगेटिव फॉर्म जैसे क्या पिताजी सुबह से इंतज़ार नहीं कर रहे हैं स्ट्रक्चर होगा हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम ड्यूरेशन सेंटेंस होगा फादर बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग फिफ्थ स्ट्रक्चर है डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड्स के इंट्रोगेटिव फॉर्म का जैसे पिताजी सुबह से इंतज़ार क्यों कर रहे हैं स्ट्रक्चर होगा वाई प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम ड्यूरेशन सेंटेंस होगा वाई हैज़ फादर बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग और सिक्स्थ और लास्ट स्ट्रक्चर है डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड्स के नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म का जैसे कि पिताजी सुबह से इंतज़ार क्यों नहीं कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर होगा डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड्स प्लस हैज या हैव हाँ, प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम ड्यूरेशन तो हमारा सेंटेंस होगा वाई हैज़ फादर नॉट बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग अब एक और एग्जाम्पल जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा वह सुबह से पढ़ रहा है अब इसका सेकेंड फॉर्म होगा वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है थर्ड क्या वह सुबह से पढ़ रहा है फोर्थ क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है फिफ्थ वह सुबह से क्यों पढ़ रहा है और सिक्सथ वह सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा है अब इन्हीं की इंग्लिश होगी ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग ही हैज़ नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग हैज़ ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग हैजेंट ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग वाई हैज़ ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग और वाई हैजेंट ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग इन स्ट्रक्चर्स को नंबर वाइज याद करने की कोशिश ऐसे क्या वह कल से पढ़ रही है यह कौन सा नंबर सेंटेंस है और इसका सिक्स्थ नंबर सेंटेंस क्या होगा तो इस तरह से इन स्ट्रक्चर्स को लेकर जितनी जल्दी आपका माइंड काम करेगा टेंस उतने ही क्लियर होते जाएंगे और अगर आप हर टेंस के एटलीस्ट हंड्रेड एग्जांपल्स ख़ुद फॉर्म करते हैं इन हिंदी एंड इंग्लिश, तो आपको दोबारा कभी टेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी ये कुछ एग्जांपल्स हैं ये कौन से नंबर सेंटेंस हैं आप खुद डिसाइड करिए और ये कुछ और एग्ज़ाम्पल्स हैं इनके बाकी के पांच सेंटेंस हिंदी और इंग्लिश में बनाइए और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पूरे प्रेजेंट टेंस के सिर्फ एग्ज़ैम्पल्स के बारे में तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू